हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। और सफलता क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब सेशन हमारा आज मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन के लिए है, और जिसमें कि टॉपिक आज हमारा है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो चलिए बड़े जोरदार और शोरदार तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आज का सुविचार रखा गया आप सभी के लिए, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो अगर जो इन स्लोगन्स के हिसाब से अगर हम अपनी लाइफ को मेंटेन करें, तो जो भी हम करने के बारे में सोचते हैं वो कभी हमसे दूर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से आप चीजों को मानिए और करिए, और बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ में आप अपनी किसी भी काम को करने के लिए ठान लेंगे तो पक्का जरूर होगा। तो उसी हिसाब से आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें बताया गया कि आज का जो आपका टॉपिक रखा गया डिफरेंशिएशन का रखा गया, टॉपिक ऑफ द डे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा देखिए, डिफरेंशिएशन से बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने यूट्यूब सेशन सफलता क्लासेस ने हमारी यूट्यूब सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज किए हैं, और जो कि सफलता.com पे सफलता स्कूल पर हमारे जितने भी हमारे एकेडमिक्स के या फिर और भी चीजें कि जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो गए, नीट का हो गया, जेई मेंस का हो गया, सभी बैचेस को लॉन्च किया है। और साथ साथ ये भी बहुत ध्यान रखा है कि बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से होती तो उसके लिए भी हमारे पास में शॉर्ट्स वीडियो के आधार पर और बहुत सी चीजों के आधार पर हमारे पास में वीडियोज होने चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को बनाया है, और जिसमें कि आज मैं आपको क्लास को आपके सामने रख रहा हूँ। एक छोटा सा टॉपिक डिफरेंशिएशन, जो कि टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शंस का मतलब ये है कि जिसमें लॉग के अकॉर्डिंगली किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं वो टॉपिक्स और वो फंक्शन किस तरह के होते हैं जिनको हमें लॉगरिथमिक लॉग के माध्यम से, लॉग की सहायता से उन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है। किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको इस तरह से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं किस तरह से है। तो सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है जो कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जो कि इसमें दिया गया है, अब एक्स की पावर एक्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी भी फंक्शंस को, जो भी आपके सामने फंक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमें ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन में जो वेरिएबल है वो कैसा है, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स है। तो अगर हम इस बात को समझें कि d over dx किसी भी फंक्शन का हम कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, अगर फंक्शन हमारा x के रूप में ही है। ठीक है, तो हम देखते हैं, और कमेंट्स के थ्रू आप हमें बताते रहिए किस तरह से क्या चीजें समझ में आ रही है आपको, क्या नहीं आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा क्लास अभी आपके लिए, हाँ प्रज्ञा पांडे सर वॉइस क्लियर नहीं है। देखिए ध्यान से, वॉइस आ रही होगी अच्छी तरह से, देखिए आप। देखिए आ रही है प्रज्ञा, चेक करिए आप। चलिए देखते हैं, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि d ओवर dx fx, अगर कोई फंक्शन आपको इसमें दिया गया है तो उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हम कर सकते हैं। बट अगर जो आपके सामने छोटी सी प्रॉब्लम अगर जो आ जाए कि जो फंक्शन, जैसे मान लीजिए d ओवर dx अगर x की पावर n टाइप का होता तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं n x की पावर n माइनस वन। बट इन वाले फंक्शंस में, जो आपके फंक्शन इसमें दिए हैं, देखिए प्रज्ञा समझ में आ रहा है आपको, y इज इक्वल टू x की पावर जो x है। ठीक है, तो ये समझिए, अब ये वेरिएबल की पावर, वेरिएबल यानी जो फंक्शन हमारा
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो पावर की फॉर्म में भी है, यानी जैसे कि एक्स की पावर एक्स हो गया, या फिर साइन एक्स की पावर क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शन है जिसमें मतलब जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करते हैं वो हमारी पावर के फॉर्म में आ जाए। तो वेरिएबल की पावर, अच्छा आर ये पर दो दो बार, देखिए अब थोड़ा सा आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब चेक कर प्रज्ञा पर, आप सर फर्स्ट क्लास से आज बिल्कुल है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा यूट्यूब सेशन पे अभी दो तीन क्लास हो चुकी है ऐसे तो, बट आज जो आपकी आपके लिए क्लास फर्स्ट है इसमें, ठीक है ना, दो तीन क्लासेस दो तीन सेशन हो चुके हैं हमारे इसमें, ठीक है। अब भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, देखिए ध्यान से थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरा भी क्योंकि नोटिफिकेशन चेक करने होते, आपको चैट्स देखने होते, तो फोन की थोड़ी सी वॉल्यूम भी बढ़ी हुई होती है ताकि सुनाई दे कि वॉल्यूम आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, तो अब हम इसमें करते हैं क्या कि मैंने आपको टॉपिक समझाया कि वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर जो कभी भी हो आपके सामने और उसको डिफरेंशिएट करना हो तो विदाउट टेकिंग लॉग वी कैन नो इमेजिन द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। तो कभी भी y इज इक्वल टू x की पावर x हो, x की पावर log x हो, कुछ भी हो x की फॉर्म में वेरिएबल जो हमारा है, तब उसका बिना log लिए हम उसका डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, देखिए ध्यान से क्या करेंगे आप, टेकिंग log बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है, इंडियन गैस सर्विस, राधे राधे सर जी, इंडियन गैस, राधे राधे, ठीक है। चलिए देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट, तो हमने यहां पर दोनों साइड में लॉग लिया था, लॉग वाई इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स आ चुका है आपस में। तो आपको पता है कि जैसे हमने लॉग लिया तो हमारे पास में एक फॉर्मूला भी है लॉग के लिए, log x की पावर n, तो आपने देखा होगा ये होता है n log x, n log x, ठीक है, समझ में आ गया। तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x की पावर x, तो हम इसमें क्या करेंगे, log y इक्वल टू x log x। अब आपके सामने जो फंक्शन है अब वो डिफरेंशिएट के लिए बिल्कुल रेडी है, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, log y का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन y एंड dy ओवर dx इक्वल टू, ये दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अच्छा देखिए जिस बच्चे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा पार्ट मैंने आपके लिया है और इसकी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, तो अगर ये थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम डालती है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो अब इसको क्या हो जाएगा, वन पॉइंट वाई टी आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई को यहां पर आ जाएगा, और एक्स का तो एक्स रहेगा, डिफरेंशियल ऑफ log x, log x का आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस log x ऐसे के ऐसे ही रहने वाला है और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा यहां से, ठीक है, तो ये आ गया आपके इसमें 1, तो x से x क्या हो गया कैंसिल एंड dy ओवर dx एंड dy ओवर dx इज इक्वल टू y 1 प्लस log x, और इसका जो डिफरेंशियल हो जाएगा y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू जो थी x की पावर x एंड ब्रैकेट 1 प्लस log x एंड दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन, और यही आपके दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अगर आपको चीजें क्लियर नहीं होती है तो मैं इसको दोबारा से भी आपको रिवाइज करा सकता हूं,
ठीक है। फाइनल में सर एक बार रिवाइज भी कराना, बिल्कुल कराएंगे। आप एक बार बोलिए फटाफट कहां से लाइन समझ में आई, इसको रिपीट कर दूं मैं इसको। प्रज्ञा पांडे आपको समझ में आया नहीं है, बताइए जल्दी से फटाफट आप मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दूसरी बात, जितने भी बच्चे हैं इसमें सभी के सभी इसको लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, तो अब इसमें करना क्या है, जैसे कि आपको बताया कि वाई इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, बिल्कुल सेम थ्योरी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी होगी आपकी। इसमें देखिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इस फंक्शन का भी हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फंक्शन को लेट करेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू, क्योंकि इसको फंक्शन को किसी न किसी फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। अब दोबारा से देखिए, थोड़ा सा दोबारा से इसमें कंप्लीट टॉपिक बिल्कुल प्रज्ञा आप भी देखिए ध्यान से अच्छी तरह समझ में आ रहा, सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। और इंडियन मैप वो सॉरी प्रीति उपाध्याय आप भी अच्छी तरह से समझे टॉपिक को, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा जिसमें आती है तो आप मुझे बता कर चलिएगा, ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा अभी। चलिए देखते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, तो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, यानी दोनों पक्षों का हमें लॉग लेना पड़ेगा, और लॉग लेने के बाद में क्या हो जाएगा, फंक्शन द फंक्शन बिकम्स लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है, यह आ गया प्रश्न। अच्छा प्रज्ञा पांडे सर थोड़ा पीछे का रिवाइज करा दीजिए एग्जाम, बिल्कुल आप देखिए ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया कि अभी एक दो क्लासेस हुई है, अब आगे की जो भी क्लासेस हमारी इसमें मेंटेन होगी, आप बस मुझे बताइए कि सर हमें ये टॉपिक हमारा वीक है और स्पेशल इसी की क्लासेस आप हमारे, तो मैं वही कंटेंट लेकर चलूंगा जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हैं। और मैंने बताया कि अभी कुछ दिनों के बाद में बस अभी हम क्लासेस इस तरह से मेंटेन करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सेशन वीक में एक बार या दो बार हम जरूर कराएं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जामिनेशन है अभी जो टर्म वन के एग्जामिनेशन आ रहे हैं, उस टर्म वन के जो एग्जामिनेशन हमारे होने वाले हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस पे ज्यादा थोड़ा फोकस लेकर चलेंगे। आपने क्लासेस कैसी भी कहीं पर भी ज्वाइन की होंगी, बट हम उसको समझते हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आपके जो बिल्कुल आपको थोड़े से परेशान करते होंगे, तो हम उन टॉपिक्स को आपके माध्यम से आप जो भी हमें कहेंगे हम उसको लेके सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दो फटाफट सभी अपने ग्रुप में, जो भी आपके पास में ग्रुप है, फिर मैं उसके बाद में इस क्वेश्चन को कराता हूँ आपको सॉल्व, ठीक है। देखिए, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, एंड आफ्टर, अब इसको आपको पता है कि लॉग एक्स की जो वैल्यू हमारी होती है लॉग एक्स की पावर एन, लॉग एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एक्स, एन लॉग एक्स, ठीक है। तो ये है वन अपॉन वाई, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, बिल्कुल ये एग्जाम्पल ही चल रहे हैं। प्रीति आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये एग्जाम्पल ही लिए मैंने, क्वेश्चंस नहीं लिए अभी, ठीक है। नहीं, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, और इसको इंटीग्रेट अभी हमने इसको नहीं किया है, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा आप इसमें एक लाइन और इसको थोड़ा सा लेके चलेंगे अभी, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो लॉग वाई ही रहेगा इसमें अभी, यहाँ पे लॉग वाई इक्वल टू साइन एक्स एंड लॉग एक्स बिल्कुल आ गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये अब इसमें फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, वन अपॉन वाई
एंड वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। ओके ओके, मतलब बिल्कुल सही बात है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन करा दीजिएगा फ्राइडे के एग्जाम में। आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम में आपको फ्राइडे से क्या, मैं कह रहा हूँ थर्सडे में मेरी क्लास होगी, थर्सडे में आपको यूट्यूब सेशन दूंगा मैं, और उस यूट्यूब सेशन में आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है, ठीक है। चलिए साइन एक्स डी ओवर डी एक्स क्या देखिए, लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स और डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा किस तरह से ये। अब देखिए वन अपॉन वाई इसका मतलब डी वाई ओवर डी एक्स, वाई को इधर भेज देंगे हम, तो ये आ जाएगा वाई साइन एक्स की वैल्यू ऐसे के ऐसे एज इट इज रहेगी, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स हो जाएगा, और प्लस लॉग एक्स और साइन एक्स आपका इसी हिसाब से आ जाएगा इसमें, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है, वाई की वैल्यू को पुट करना है और डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन आपके इसके बिल्कुल सामने आ जाए, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स, और ये आ जाएगा साइन एक्स ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है। यही आपका इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से प्रज्ञा, प्रीति आपको भी देखिए इंडियन मैप्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। अब फिर से एक फंक्शन हो रहा है इसमें, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स की पावर लॉग एक्स। देखिए मैंने अच्छे क्वेश्चंस लिए, ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी मतलब इस तरह से सिंपल क्वेश्चन हो, सिंपल क्वेश्चन तो आप रोज करते हो, ठीक है। नहीं, हमने यूट्यूब सेशन आपके लिए इसलिए लगाया कि ताकि वे क्वेश्चंस भी आपको कराए जाए जिनमें आप बिल्कुल डाउट रहते हो, आपको आप डरते हो उन क्वेश्चन से, तो मैथ्स में बिल्कुल भी डर के नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप डरते हो तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो आपको चैलेंज लेना पड़ेगा, और चैलेंज जो है आप हमारे माध्यम से लीजिए कि सर हमारे से क्वेश्चन नहीं होते हैं और हम ये क्वेश्चन करा के चलिए, ठीक है। नहीं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्या, ओके एक सेकंड रुकिए, क्या पता उसमें चेक कर लेता हूं मैं अभी। ओके ओके बिल्कुल राइट, इसमें साइन एक्स का डिफरेंशियल जो हो जाएगा कोस एक्स होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो लॉग एक्स ये नहीं आ जाएगा यहाँ पे कोस एक्स, और यहाँ पे भी कोस एक्स हो जाएगा, राइट। चलिए आप चेक कर लीजिए आप एक बार इसमें, ठीक है आंसर। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, चलिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और मैं फटाफट इस क्वेश्चन को लूंगा, ठीक है। नहीं अब आपको अच्छी तरह से जहां तक समझ में आने लगा होगा कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो साइन एक्स जो है इसमें आपका वाई इज इक्वल टू लेट करेंगे फिर से हम वाई इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कितना है यहां पर लॉग एक्स है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट, ठीक है, लॉग वाई log y equal to log sin x to the power log x, ठीक है। अब log ये x की पावर n बन चुका है, तो 1 इसको हम क्या करेंगे log y
log y equal to log x आ जाएगा इसमें पहले log x into log sin x, ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो log x, log y का डिफरेंशियल होता है 1 upon y, ठीक है। मैथ्स सर आई एम वीक इन मैथ्स, कोई बात नहीं, ठीक है। आप अगर जो वीक समझते हैं तो कोई बात नहीं, उसी के लिए क्लासेस हमने रखी हुई आपके लिए, और ऐसी आपको डोज देंगे कि आपकी परेशानी कभी भी इस चीज के लिए वीकनेस जो आपकी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बट आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, और आपको जो भी आपकी कमजोरियां हैं, जो भी आपको नहीं आता है, वो हमसे शेयर करना पड़ेगा। और अगर जो आप अच्छी तरह से अपना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब सेशन भी ज्वाइन कीजिए, और ऐप पे भी आप उसको थोड़ी सी क्लासेस को आप dy over dx is equal to first function and second function, first function log x, first function differentiation of second function, log sin x प्लस log sin x और dy over dx log x, क्लियर बात है। अब समझे अच्छी तरह से आप इसमें, तो ये 1 upon y dy over dx, ठीक है, बिल्कुल प्रगत पांडे का है। प्रीतिया एप्लीकेशन पर भी क्लास अटेंड कीजिए। देखिए आप प्रीति, आप प्रज्ञा से पूछिए, देखिए ये ऐप पे भी क्लास ज्वाइन करती हैं, और अच्छी तरह से पूछिए आप इनको कि मैं कभी भी कोई टॉपिक छोड़ता हूँ क्या इनके लिए, मैं कभी भी, मतलब सबसे पहले मैं बच्चे को, जो भी स्टूडेंट हमारे ऐप पे या फिर यूट्यूब सेशन जो भी हमारा ज्वाइन करता है, मैं कभी भी स्पीड को मेंटेन नहीं करता, कभी स्पीड पर नहीं जाता मैं। रीजन क्या है कि स्पीड तो हमारे लिए दिखाने के लिए होती है कि हमने ऐसे तुरंत चुटकी में क्वेश्चन कर दिया। जब तक बच्चा आपके सामने है और वो बिल्कुल 100% सेटिस्फाई ना हो जाए, तो हमें क्वेश्चन को सोल्व कराने से या फिर करने से क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। नहीं, हजारों लाखों चैनल चल रहे हैं और सब पे क्वेश्चन इसी हिसाब से होते हैं कि बस पूछिए मतलब क्या हो गया क्या नहीं हो गया, बट मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। मैं केवल विश्वास करता हूँ कि एज ए स्टूडेंट, जैसे मैंने अपनी ये पढ़ाई की है तभी, तो मैं उसी हिसाब से बच्चों को भी समझाऊं ताकि उसको अच्छा, जो भी उसने आधा घंटा एक घंटा हमें दिया है, उसका कोई रिजल्ट, कोई निष्कर्ष निकाल सके उसका, ठीक है। नहीं, इसीलिए मैं बच्चे को सबसे पहले प्रेफरेंस देता हूँ कि उसके डाउट्स पे, उसके क्वेश्चंस पे, और तब जाकर क्लास को आगे रेडी करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए आंसर तो 1 upon y dy over dx, अब इसमें क्या आ जाएगा, 1 upon y dy over dx है। अब log x तो ऐसे, क्योंकि जिसके सामने d over dx लिखा रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा, तो log x तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इसमें क्या, log x, और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log sin x। तो अब आपको देखिए यहां पर फंक्शंस और फंक्शन है, फंक्शन और फंक्शन, यानी फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव जब भी होता है तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देना होगा, टी लेट करना होगा। log sin x को, sin x को टी लेट करेंगे तो log sin x का हो जाएगा 1 upon sin x, ठीक है, और sin x का आ जाएगा आपका इसमें cos x, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड ऑफ डेरिवेशन प्लस सेकेंड फंक्शन log sin x एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का हो जाएगा 1 upon x। अब इसमें आपको क्या करना है, बस dy over dyx को एक साइड लिखना है और अदर वैल्यूज को सब एक साइड लिखना है। y, अब देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा log x into cos upon sin, क्या आ जाएगा cot x प्लस log साइन ओवर एक्स, ये आपका कंप्लीट आ चुका। बट वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू क्या है, साइन की पावर लॉग एक्स, साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, और ये आ जाएगा लॉग एक्स इंटू कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स ओवर एक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है।
चलिए ध्यान से, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो जरूर आपका 100% पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और इस तरह के क्वेश्चंस को मैं डेली जो भी हमारे यूट्यूब सेशन लगता है मैथमेटिक्स का, उनमें इन क्लासेस में आप कोई भी सिंपल क्वेश्चन नहीं देखोगे, बिकॉज सिंपल क्वेश्चन तो आप सब लोग करते ही है। और ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन केवल करने से ही हम चीजें पढ़ सकते हैं और ये सब चीजें हम कर सकते हैं। हमें क्या है कि सिंपल के साथ में वे क्वेश्चंस भी लेने हैं जिसमें बच्चा डाउट महसूस करता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, अगर जो हम वहां पर अच्छी तरह से करके आते हैं और वो हमारे टोटल में मार्क्स एड हो जाते हैं, तो ये देखिए कितनी परसेंटेज अच्छी इंक्रीज होती है। और आप सभी को पता है कि जैसे इसमें थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल इंडियन मैथ बोल रहे हैं, और आपको बस एक प्रॉमिस करना होगा मुझसे कि आपको डेली रेगुलर जो क्लासेस हमारी यूट्यूब सेशन को होती हैं उसको आपको हमें बिल्कुल रेगुलर इस तरह से लेकर चलना पड़ेगा ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और सेशन को जितना भी शेयर आप कर सकते हो। देखिए ये मेरी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी शेयर कर सकते इसको शेयर कीजिए, ठीक है नहीं, क्योंकि आप देखिए बच्चे इसमें कुछ ही इसमें है, हालांकि मेरा थोड़ा सा भी क्लास 5 या 6 मिनट लेट हो गई थी, नहीं तो कुछ मेरे पास में भी ग्रुप्स हैं, मैं उसमें ऐड कर सकता था बच्चों को। बट ये है कि अभी आपको मैं काम दे रहा हूँ ताकि आप इन चीजों को करें और मैं आपके कंटेंट को तैयार करूँ अच्छी तरह से और क्लास को इस तरह से रेडी रखूंगी। आप आधा घंटा मुझे दीजिए, ठीक है, आधा घंटा देने के बाद में तुरंत उस चीज को जो भी मैं आपके सामने जो भी टॉपिक रखता हूँ बिल्कुल क्लियर कर सकूं मैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में प्रज्ञा, ठीक है, इंडियन मैथ्स नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।